नमस्कार, मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड के नवे पेपर के बारे में इस ई क्लास में प्लेटो के साम्यवाद के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने प्लेटो के सामान्य जीवन परिचय, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत, प्लेटो की न्याय व्यवस्था के बारे में वीडियो तैयार किया था और उसमें हमने समझा था कि उसकी शिक्षा योजना, न्याय सिद्धांत किस तरह से उसने अपने रिपब्लिक पुस्तक में बताए हैं और क्या बताया है और उनकी व्यवस्था वो क्यों करता है। प्लेटो ने रिपब्लिक में साम्यवाद की जो व्यवस्था या जो उसका विवरण विस्तृत व्याख्या की है उसके पीछे उसका मूल उद्देश्य केवल आदर्श राज्य की स्थापना के माध्यम से न्याय की स्थापना करना उसका मूल उद्देश्य है। इस कारण से उसने साम्यवाद की व्यवस्था करने की बात अपने रिपब्लिक पुस्तक में कही है। प्लेटो का कोई ये मूल विचार नहीं था। तत्कालीन यूनान के नगर राज्यों में कुछ साम्यवादी व्यवस्थाएं देखी जा सकती हैं, लेकिन प्लेटो ने इनको विस्तृत और स्पष्ट रूप से अपने रिपब्लिक में इसको समझाया है, बताया है, और इसलिए बताया है कि आदर्श राज्य की प्राप्ति हो जाए और उसके माध्यम से न्याय की स्थापना हो जाए। प्लेटो के साम्यवाद के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं जो केवल इसलिए की गई है कि आदर्श राज्य की स्थापना हो जाए और आदर्श राज्य के माध्यम से न्याय की व्यवस्था स्थापित समाज में हो सके। प्लेटो का मुख्य उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना, किंतु वह स्वयं अनुभव करता है कि इस महान उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में तीन बाधाएं आती हैं। आदर्श राज्य की जो स्थापना है उसकी स्थापना में जो तीन बाधाएं प्लेटो ने मानी हैं वो है, पहली अज्ञानता, दूसरी है संपत्ति या निजी संपत्ति, और तीसरा है परिवार, निजी परिवार। इन तीन कारणों की वजह से प्लेटो मानता है कि आदर्श राज्य की स्थापना इन तीन कारणों से नहीं होती है, अज्ञानता, संपत्ति और परिवार। प्लेटो ने इन बाधाओं को दूर करने के लिए जो साधन स्वीकार किए हैं या जो साधन बताए हैं वो शिक्षा व साम्यवाद को बताया है, और ये सही है कि अज्ञानता को शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है और संपत्ति व परिवार के लिए उसने साम्यवादी व्यवस्था की बात की है। प्लेटो का मानना था या विश्वास था कि शिक्षा के माध्यम से अज्ञानता को समाप्त किया जा सकता है, किंतु इसके साथ ही ऐसे वातावरण के निर्माण पर भी बल देता है जो शासक वर्ग को बुरी प्रवृत्तियों से बचाए। बुरी प्रवृत्तियों का मतलब यह है कि लोभ, लालच, भौतिक आकर्षण और बुराइयों से बचाए। निजी संपत्ति एवं निजी परिवार दो ऐसे भौतिक आकर्षण हैं जो श्रेष्ठतम व्यक्ति उनके मस्तिष्क में स्वार्थ व पक्षपात की धारणा उत्पन्न कर देते हैं। अतः प्लेटो अभिभावक या शासक वर्ग को बचाने के लिए साम्यवाद को अपनाने की बात करता है। ये साम्यवाद की व्यवस्था यूनानी पृष्ठभूमि में पहले से देखी जा सकती है और उसके बारे में भी प्लेटो ने बताया है। साम्यवादी व्यवस्था की यूनानी पृष्ठभूमि, यद्यपि प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में साम्यवाद की अवधारणा को एक विकसित व क्रांतिकारी विचार के रूप में प्रस्तुत किया है, किंतु इसकी मूल प्रेरणा तत्कालीन यूनानी समाज में मौजूद थी। यूनान के एक नगर राज्य
छोटा सा नगर राज्य क्रीट था, उसमें भूमि सामूहिक संपत्ति समझी जाती थी। भूमि पर किसी एक व्यक्ति या एक वर्ग विशेष का अधिकार नहीं था। क्रीट नगर राज्य में भूमि पर सामूहिक यानी कि सभी का अधिकार था, सबकी सामूहिक संपत्ति समझी जाती थी। स्त्रियों के साम्यवाद की परंपरा भी सीमित रूप में यूनान में प्रचलित थी। स्पार्टा की एक परंपरा के अनुसार राज्य सेवा हेतु श्रेष्ठ संतान पैदा करने के लिए पति अपनी पत्नियों को दूसरों को देते थे। इस प्रकार प्लेटो के साम्यवाद की योजना पूर्णतः नवीन व मौलिक विचार नहीं है, यह पहले से ही चाहे सीमित रूप में ही हो यूनान के नगर राज्यों में इसकी पृष्ठभूमि पहले से देखी जा सकती है, अपितु इसे तत्कालीन यूनान की परंपराओं से ही लिया है और इसे अधिक स्पष्ट व सही ढंग से प्रस्तुत किया है। प्लेटो के साम्यवाद की कुछ विशेषताएं प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में बताई हैं, जिसमें पहली विशेषता है ये व्यवस्था केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। प्लेटो ने संपत्ति व परिवार के साम्यवाद की योजना केवल आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए शासक वर्ग पर लागू की है। इस योजना को जो तीन वर्ग प्लेटो ने बताए हैं, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग, इसको केवल इसने शासक वर्ग पर ही लागू किया है, इसको उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं किया है। दूसरी विशेषता है राज्य की एकता की इस व्यवस्था के लिए। प्लेटो का मत है कि उसके साम्यवाद की योजना शासक वर्ग को कंचन व कामनी के कुप्रभावों से बचाकर उसके विवेक की रक्षा करेगी और उसे सार्वजनिक हित में शासन करने के लिए प्रेरित करेगी। इसके अलावा परिवार के साम्यवाद को अपनाने पर राज्य में अपने पराए या तेरे मेरे की भावना नहीं रहेगी। इसके साथ ही स्त्रियों को भी राज्य सेवा का अवसर मिलेगा। दूसरी जो व्यवस्था या विशेषता उसने बताई है, किससे राज्य की एकता स्थापित रहेगी, ये राज्य में एकता व्यवस्थित रूप से चल पाएगी। तीसरी जो विशेषता बताई है वो है न्याय की पूरक व्यवस्था। प्लेटो का उद्देश्य न्याय सिद्धांत पर आधारित आदर्श राज्य की स्थापना है। न्याय सिद्धांत के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दो साधन हैं, शिक्षा व साम्यवाद। जहाँ शिक्षा योजना न्याय प्राप्ति का आध्यात्मिक और सकारात्मक साधन है, वहीं साम्यवाद की योजना न्याय की प्राप्ति का भौतिक व नकारात्मक साधन है। अब हम प्लेटो के बताए गए संपत्ति के साम्यवाद के बारे में समझेंगे कि इसके बारे में प्लेटो क्या विचार रिपब्लिक में बताता है। संपत्ति के साम्यवाद की व्याख्या करते हुए प्लेटो कहता है कि अभिभावक वर्ग पर साम्यवाद लागू करने से उनके पास केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन यापन के लिए अनिवार्य है, तथा इसके पास कोई अपना निजी घर अथवा भंडार नहीं होगा। उनके लिए सामूहिक भोजन व रहने की व्यवस्था होगी। उनको सोने व चांदी को छूने तक की मनाही होगी। इस प्रकार का जीवन यापन करते हुए ये शासक वर्ग स्वयं अपनी तथा अपने नगर राज्य की भी सुरक्षा कर सकेगा, ये व्यवस्था उसने बताई है संपत्ति के साम्यवाद के लिए। अब परिवार संबंधी साम्यवाद के बारे में प्लेटो कहता है कि अभिभावक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, इसके लिए उन्हें संपत्ति के मोह के साथ साथ पारिवारिक या स्त्री व बच्चों के मोह से मुक्त किया जाना चाहिए। यानी कि परिवार के मोह से वो मुक्त रहेगा, बच्चों के मोह से मुक्त रहेगा तो उसमें कई प्रकार के अवगुण नहीं आएंगे और वो आदर्श राजा जो शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होगा वो अपने कर्तव्यों का पालन भली भांति कर पाएगा और समाज में न्याय की व्यवस्था हो जाएगी। प्लेटो इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि अभिभावक वर्ग के स्त्री व पुरुषों में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा। स्त्रियां समान रूप से सबकी पत्नियां होंगी, इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी। न तो माता पिता संतान को जान सकेगा और न ही संतान अपने माता पिता को।
प्लेटो अपने साम्यवादी व्यवस्था के पक्ष में जो तर्क देता है उस पर हम अब चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला है परिवार के साम्यवाद के पक्ष में प्लेटो जो तर्क देता है उनमें पहला तर्क है कि अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना। जो परिवार का साम्यवाद है वो अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करेगा और उसके द्वारा वो आदर्श राजा अपने कर्तव्यों की पालना सही ढंग से या सही प्रकार से कर पाएगा। प्लेटो परिवार को एक ऐसी घातक संस्था मानता है जो व्यक्तियों में संकीर्ण मनोवृत्ति तथा प्रबल स्वार्थ की भावनाएं उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक मोह तथा चिंताओं में फंसकर व्यक्ति सार्वजनिक कर्तव्यों को सही ढंग से नहीं निभा सकता। अतः प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए परिवार की व्यवस्था या शासक वर्ग के लिए अंत करना चाहता है। परिवार के साम्यवाद के पक्ष में जो पहला तर्क उसने दिया है वो है कि अभिभावक वर्ग को या आदर्श राजा को परिवार के मोह से मुक्त रखना है। दूसरा जो तर्क है वो है राज्य में एकता स्थापित करने के लिए साम्यवाद की जरूरत है, परिवार के साम्यवाद की आवश्यकता है। परिवार व्यक्तियों में तेरे मेरे या अपने पराए की भावना उत्पन्न करता है और इस भावना के परिणाम स्वरूप अभिभावक वर्ग के व्यक्ति सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने लगते हैं। प्लेटो राज्य की एकता के लिए पारस्परिक संघर्ष की इस प्रवृत्ति का अंत आवश्यक मानता है। अतः प्लेटो अभिभावक वर्ग के समस्त स्त्री पुरुषों को एक ही परिवार के रूप में परिणित करके राजनीतिक एकता की स्थापना करना चाहता है और इस संदर्भ में बारकर कहता है कि प्लेटो के विचार को व्यक्त करते हुए कहता है कि परिवार के अंत का दिन राज्य की एकता के उद्घाटन का दिन होगा। बहुत बड़ी बात है कि जिस दिन परिवार रूपी संस्था का अंत होगा उस दिन राज्य की एकता का उद्घाटन होगा तथा व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का दिन होगा और दोनों के लिए न्याय का दिन होगा। इस आधार पर बारकर ने भी ये माना जा सकता है कि परिवार के साम्यवाद का पक्ष लिया है। जो तीसरा तर्क अपने परिवार के साम्यवाद के लिए दिया है वो है श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति। राज्य के हित में यह जरूरी है कि आने वाली संतान श्रेष्ठ नस्ल की हो और इस लक्ष्य की प्राप्ति को का उपाय यह है कि उचित आयु के सर्वोत्तम व्यक्ति या स्त्री पुरुष कोई ही विवाह की या शादी के सूत्र में बांधा जाए तथा इनके द्वारा होने वाली संतान का पालन पोषण राज अपने शिशु गृहों में करेगा। बारकर इस संदर्भ में भी कहता है कि प्लेटो के लिए यही पर्याप्त नहीं है कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा भली प्रकार से हो, वरन उसका जन्म भी उचित रूप से चुने हुए स्वस्थ पुरुषों या इस स्वस्थ स्त्री पुरुषों से होना चाहिए। और जो अगला परिवार के साम्यवाद के पक्ष में तर्क देता है वो है नारियों की मुक्ति तथा समान अधिकार। प्लेटो के समय में एथेंस का सार्वजनिक जीवन पुरुषों तक ही सीमित था और इसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। उनका कार्य केवल घर की चार दीवारी में रहकर बच्चों का पोषण करना था, लालन पालन करना था। प्लेटो कहता है कि परिवार एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है तथा पत्नी की मानसिक शक्ति केवल चौके चूल्हे में ही बर्बाद हो जाती है। प्लेटो स्त्रियों के इस हीन जीवन का अंत करना चाहता है। उसका विचार था कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान ही सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए उपयुक्त हैं, उन्हें इस तरह का अवसर दिया जाना चाहिए। वह स्त्रियों की मुक्ति के लिए भी अभिभावक वर्ग को परिवार से पूर्णतया वंचित करना चाहता है। इस प्रकार प्लेटो की पारिवारिक जो साम्यवाद की योजना है एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। इसके आधार पर अभिभावक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को भली भांति उनका पालन कर पाएगा
सामाजिक न्याय की व्यवस्था स्थापित कर पाएगा, राज्य में एकता स्थापित कर पाएगा, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी और स्त्रियों को मुक्ति मिलेगी तथा वो भी राज्य की सेवा के लिए तैयार हो पाएंगी या उनको सेवा का अवसर प्राप्त होगा। जिस प्रकार प्लेटो ने अपने परिवार रूपी साम्यवाद के पक्ष में तर्क दिए हैं, उसी तरह से प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद के पक्ष में भी तर्क दिए हैं, जिनमें पहला तर्क है दार्शनिक। प्लेटो के दर्शन के अनुसार संपत्ति वासना का प्रतीक है और भोग की प्रवृत्ति बढ़ाने वाली है। दार्शनिक या शासक वर्ग, सैनिक वर्ग की आत्मा में विवेक व साहस के तत्व अधिक होते हैं, अतः निजी संपत्ति की व्यवस्था उनकी मूल वृत्ति के प्रतिकूल है। उसका मानना है, उसकी फिलॉसफी है, उसका विचार है कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग की जो गुण हैं या आत्मा के गुण हैं, उनमें बुद्धि और साहस है। संपत्ति और परिवार उनके मूल प्रवृत्ति या उनके विचारों से प्रतिकूल है। दूसरा जो तर्क दिया है वो है मनोवैज्ञानिक आधार। निजी संपत्ति की व्यवस्था मनुष्यों को स्वार्थी बनाती है और यदि दार्शनिक या शासक वर्ग व सैनिक वर्ग के लिए निजी संपत्ति की व्यवस्था की जाएगी तो उनमें भी स्वार्थ की वृद्धि होगी और उनका विवेक व साहस या तो कमज़ोर हो जाएगा या तो समाप्त हो जाएगा। जो तीसरा तर्क या जो आधार बताया है वो है राजनीतिक आधार। प्लेटो के अनुसार जब राज्य सत्ता व निजी संपत्ति का संयोग होता है तो राज्य का पतन शुरू हो जाता है। शासक वर्ग अपने धन पिपासा के लिए राज्य सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, अतः प्लेटो राजनीति व अर्थशक्ति के केंद्रीकरण को समाप्त करके शासक वर्ग को केवल राज्य शक्ति देने के पक्ष में हैं। आज हम इस ई क्लास में केवल इतनी ही चर्चा करेंगे। प्लेटो के साम्यवाद के बारे में हमने समझा, इसकी आलोचनाओं का इसके बारे में और आगे की व्याख्या हम अगले ई क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।